वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो फेस्टिव सीजन में हम हैवी सूट सेट तो पहन लेते हैं, बट पूरे दिन कैरी करने वाले कुर्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अभी के फेस्टिव सीजन में। इसीलिए आज के वीडियो में मैं वैसी ही 5 बहुत ही सुंदर से शॉर्ट कुर्ती शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कुर्ता हमारा है ये जनस्या ब्रांड की तरफ से, जो की बहुत ही प्रीटी से कलर कॉम्बिनेशन में आया है। कलर के लिए मैंने यहाँ पर रेड चूज किया है, बट इसके ऊपर मेरे डिजाइनिंग की वजह से वो एकदम एथनिक वाइब आती है इस कुर्ते से। इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगा और क्लोजर के लिए बैक साइड में यहाँ पे बटन अटैच की गई है व्हाइट कलर की। वहीं ये वाला जो कुर्ता है वो स्लीवलेस है, साथ ही स्लीव के साइड में यहाँ पे बॉर्डर्स अटैच किए गए हैं, जिसमें कि अलग पैटर्न आप नोटिस कर सकते हो। एंड ये बॉर्डर ना स्लीव को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करता है, साथ ही स्लीव की जो कट है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे साइड से ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ्रंट से लेके बैक साइड तक आपको सेम फ्लोरल डिजाइनिंग मिल जाएगी, और इसे अगर आप क्लोजली देखो तो सारे जो डिजाइनिंग्स है वो फैब्रिक के ही पैटर्न काफी अच्छे से मर्ज है, आपको कोई इशू नहीं आने वाली। वहीं नेक के इनर साइड में यहाँ पे जनस्या की ब्रांडिंग एंड मेरा साइज मेंशन है। अगर बात करें लेंथ की, तो ये वाला कुर्ता जैसे रेगुलर टॉप्स हमारे होते हैं ना, उसी लेंथ के साथ आया है। बहुत ही क्यूट लगा मुझे ये फिट वाइज भी। साथ ही जो एंड पार्ट है ना, वहाँ पे भी सेम ही फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड करके उन्होंने स्टिच किया है, जिस वजह से ऐसा लगता है ना कि नीचे में भी कोई बॉर्डर वगैरह अटैच हो। बट जब मैंने इसे पहना था तो ये मेरे वेस्ट के अराउंड एकदम फिट हो गया था। मे बी ये मेरे बॉडी शेप की वजह से ऐसा हुआ है, आपके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। फैब्रिक यहाँ पे यूज हुआ है 100% कॉटन। तो गाइज इसमें आपको कंफर्ट के मामले में एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको ये कंफर्टेबल रखेगा। साथ ही कलर इसका इतना ज्यादा खूबसूरत है ना कि डेफिनेटली इसे आप डे टाइम में कैरी कर ही सकते हो, वरना इनकेस अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए कोई भी कुर्ता ढूंढ रहे हो तो उसमें भी ये परफेक्टली फिट बैठने वाला है। और प्राइस वाइज ये कुर्ता सिर्फ आपको 350 में मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी वगैरह आपको बहुत ही प्रीमियम मिल रही है, जरूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला कुर्ता आ रहा है बीवा ब्रांड से, और ये वाले कुर्ते की वाइब ना बहुत ही रेट्रो टाइप की है। कलर मैंने यहाँ पे ब्लू चूज किया है, बट ब्लू का भी अलग ही शेड है। साथ ही इस कुर्ते के भी ऊपर में आपको फ्लोरल डिजाइनिंग दिख जाएगी, और इसका जो नेक है वो आपको यहाँ पे राउंड मिलेगा। साथ ही फ्रंट साइड में छोटी सी कट भी लगाई गई है, उसी के नीचे में यहाँ पे आपको 2 हुक्स मिल जाएंगे क्लोजर के लिए, और बाकी जो नेक के साइड में आप डिजाइनिंग देख रहे हो वो आपको नीचे तक भी मिल जाएगा। वही नेक के इनर साइड में इसकी ब्रांडिंग एंड साइज आप देख सकते हो। इस कुर्ते में आपको फुल स्लीव मिल जाएगा, और स्लीव के भी ऊपर में यहाँ पे फ्लोरल डिजाइनिंग है। साथ ही इसके एंड पार्ट में अलग से बॉर्डर क्रिएट की गई है। वैसे ये सेम फैब्रिक का ही पार्ट है, अलग से यहाँ पे कोई भी फैब्रिक वगैरह नहीं अटैच किया गया। सेम फ्लोरल वाली डिजाइनिंग आपको बैक साइड में भी मिल जाएगी। वहीं ये एक शॉर्ट कुर्ता है, तो दोनों साइड में आपको स्लिट भी मिल जाता है। बॉटम वाले पार्ट में यहाँ पे भी सेम बॉर्डर डिजाइन की गई है, और ये जो बॉर्डर्स डिजाइन किए गए ना, इस वजह से ये कुर्ते को काफी अच्छे से डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने यूज किया है 100% पॉलिएस्टर। बट गाइज पॉलिएस्टर हम हमेशा से सुनते आए हैं कि उतना ज्यादा ना कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल उन्होंने यूज करा है वो मुझे टच एंड फील बहुत ही स्मूथ दे रहा है। जब मैंने ट्राई ऑन के लिए भी इसे पहना था तो भी मुझे ये कंफर्टेबल लगी। तो अगर आप थोड़े मॉडर्न टाइप के कुर्ते ढूंढ रहे हो जिसमें थोड़ी वो रेट्रो टच हो, ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। मुझे इसकी भी फिट वगैरह काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसे आप चाहो तो क्रीम कलर के पैंट्स या फिर अपने जीन्स के साथ कैरी आउट कर सकते हो, वो चीज टोटली आपके ऊपर में डिपेंड करता है। इसमें मैंने अपना रेगुलर साइज लिया, अगर आप जाना चाहो तो इसके लिए भी जा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और गाइस नेक्स्ट वाला हमारा कुर्ता आ रहा है Amazon के सब ब्रांड से, जिसका नाम है मिक्स, और इसकी यहाँ पे आप टैग देख सकते हो। ये कुर्ता आ रहा है मस्टर्ड येलो कलर में। वैसे ब्रांड ने इसे यहाँ पे ओका मेंशन किया है, और वो कौन सा कलर होता है वो आप इस कुर्ते के थ्रू देख सकते हो। इसके ऊपर में आपको बहुत ही खूबसूरत से ये व्हाइट कलर से फ्लावर बने हुए मिल जाते हैं। कुछ डिस्टेंस में इस फ्लावर को बनाया गया है, और ये सेम डिटेलिंग आपको कुर्ते के बैक साइड में भी मिल जाएगा। वहीं इस कुर्ते में आपको मैंड्रीन कॉलर मिलता है, जिसके इनर साइड में यहाँ पे मिक्स की ब्रांडिंग की गई है। इसके फ्रंट साइड में क्लोजर के लिए आपको 3 वुडन बटन मिल जाएंगे, और स्लीव जो है वो 3/4 वाले है। साथ ही यहाँ पे आपको फोल्डेड स्लीव्स मिल जाते हैं, एंड स्लीव के अपर वाले पार्ट में भी यहाँ पे बटन लगाई गई है। दोनों साइड में आपको स्लिट भी मिल जाएगा। एंड लेंथ वाइज ये वाला जो कुर्ता है वो मेरे वेस्ट के अराउंड तक आया था, काफी अच्छी लेंथ के साथ आ रहा है। और ये कुर्ते को भी आप चाहो ना तो व्हाइट कलर के या फिर क्रीम कलर के पैंट्स के साथ कैरी कर सकते हो। वहीं फैब्रिक के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी अगेन 100% कॉटन ही यूज किया गया है, जो की आपको बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा आपको बटन भी दे रखा है, इनकेस अगर आपका फ्रंट साइड का बटन कोई भी टूट जाए तो वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो। फैब्रिक उतनी कोई ज्यादा मुझे थिक नहीं लग रही, बट हाँ शेयरनेस की भी आपको कोई इशू नहीं आएगी। बाकी फिट एंड लुक वगैरह आप इसकी देख सकते हो। ये भी एक ऐसा कुर्ता ना जिससे मैं आप लोगों को डे टू डे लाइफ के लिए जरूर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इसकी फैब्रिक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। एंड प्राइस वाइज ये वाला जो कुर्ता है वो मुझे 350-370 के राउंड में मिला। बट गाइज Amazon में चल रहे सेल में अगर आप इसे परचेज करोगे तो मे भी आपको इतना पे ना करना पड़े। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। हम चलते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और गाइज नेक्स्ट कुर्ता आ रहा है हमारा मैक्स ब्रांड की तरफ से, जिसके लिए मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू कलर सिलेक्ट किया किया है। पता नहीं क्यों आजकल ना मैं ब्लू से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। बहुत बारी मेरे से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मैं ब्लू कलर के ही कुर्ते सिलेक्ट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी इसके बारे में अगर बात कर ले तो इसके पूरे बॉडी में आपको पोल का डॉट्स के थ्रू डिजाइनिंग देखने को मिलेगा, जिसमें कि ब्लू एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है। साथ ही इसमें आपको लाइंस भी दिख जाएंगे ब्लैक कलर के, अगर आप इसे क्लोजली नोटिस करो तो। वहीं इस कुर्ते में आपको कॉलर मिलता है जिसके फ्रंट साइड में क्लोजर के लिए बटन्स भी अटैच किए गए हैं व्हाइट कलर के। सारे बटन्स ओपनेबल है और ये जो बटन है वो आपके फ्रंट हाफ में आने वाले हैं। वहीं जहाँ पे ये बटन खत्म हो रहे हैं उसी के नीचे में आपको ये प्लीट्स भी मिल जाएंगे, जो कि सामने की तरफ में ना अच्छी एक फ्लेयर आपको देती है। वैसे बता दूं कि ये जो प्लीट्स है वो सिर्फ जितने दूर तक ये बटन्स है उतने ही दूर तक मिल रहा है, पूरे वेस्ट में वहाँ पे प्लीट्स नहीं बनाए गए। इसमें आपको बलून स्लीव मिल जाएंगे 3/4 लेंथ के, और स्लीव के एंड पार्ट में यहाँ पे प्लीट्स भी आप नोटिस कर सकते हो। वहीं बैक साइड पे आए तो यहाँ पे भी सेम ये पोल का डॉट्स के थ्रू डिजाइनिंग क्रिएट की गई है। कुर्ते के दोनों साइड में आपको स्लिट मिल जाएगा और इसकी जो एंड्स है उसे यहाँ पे ना ऐसे राउंड पैटर्न में रखी गई है। साथ ही ये वाला जो कुर्ता है ना वो फ्रंट साइड से छोटा एंड बैक साइड से बड़ा है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। फैब्रिक वाइज इसमें मुझे कॉटन ही लग रहा है, एंड हाँ इसके कॉम्पोजिशन में भी कॉटन ही मेंशन्ड है। यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा। बाकी लुक एंड फिट आप इसकी देख सकते हो, मैंने साइज इसमें भी L ही लिया है। कॉटन होने की वजह से ये कुर्ता भी आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला है। और देखो ये कुर्ता ना मुझे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगा, तो इनकेस अगर आप ऑफिस यूज के लिए भी कोई भी कुर्ता चाह रहे हो तो इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिखाएगा आपको, साथ ही साथ कंफर्ट भी प्रोवाइड करने वाला है। लास्ट वाला भी कुर्ता हमारा बीबा ब्रांड की तरफ से आ रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही प्रीटी सा ग्रीन कलर चूज किया है। और ये वाले कुर्ते के ऊपर में आपको बहुत ही खूबसूरत से ऑरेंज एंड पिंक कलर कॉन्ट्रास्ट में डिटेलिंग्स देखने को मिल जाते हैं। नेक के साइड में ये डिटेलिंग्स बनाए गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न का यूज किया गया है। और ये वाली जो डिजाइनिंग है वो फैब्रिक की ही पार्ट है, तो ये बिल्कुल भी आपको कोई इरिटेशन नहीं देगी, साथ ही ये हटने वाली भी नहीं है। वही बाकी जो कुर्ते का पार्ट है उसमें भी आपको ये ज्योमेट्रिक टाइप के पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए व्हाइट कलर का भी कहीं कहीं पे यूज किया गया है। और जितनी भी डिजाइनिंग आप इसके ऊपर में देख रहे हो ना वो फैब्रिक का ही पार्ट है। इसके नेक के इनर साइड में आप बीबा की ब्रांडिंग नोटिस कर सकते हो, एंड मेरी साइज यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही इसमें भी आपको फुल स्लीव्स मिल जा रहे हैं, एंड स्लीव के भी ऊपर में आप कुर्ते से मैच होते हुए डिजाइनिंग नोटिस कर सकते हो। वहीं इसके एंड पार्ट में नेक से मिलती जुलती सी डिजाइनिंग बनाई गई है। अगर यहाँ पे कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं अटैच किया गया, ये सेम फैब्रिक का ही पार्ट है। साथ ही इसका जो बैक साइड है उसे यहाँ पे सेम ये ग्रीन वाले पैटर्न के थ्रू ही डिजाइन किया गया है। और कुर्ते का जो एंड वाला पार्ट है वहाँ पे भी आप देख सकते हो स्लीव से मैच होता हुआ ये बॉर्डर। इस सेम बॉर्डर को आप बैक साइड में भी नोटिस कर सकते हो, एंड दोनों साइड में यहाँ पे छोटी छोटी सी स्लिट्स भी आपको मिल जाएंगी। लेंथ वगैरह भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, ये मेरे थाइस के राउंड तक आई थी, एंड यूजुअली शॉर्ट कुर्ते इसी लेंथ के आते हैं। अगर बात कर ले फैब्रिक की तो यहाँ पे भी 100% पॉलिएस्टर ही यूज किया गया है, बट इसकी जो फैब्रिक है ना वो मुझे प्रीवियस वाले से भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रही है, एंड टच करने पे भी बड़ा ही स्लिपरी टाइप का लग रहा है। ओवरऑल मुझे इसकी फैब्रिक एंड फिट वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये वाला जो कुर्ता है वो आपको 500 के राउंड में मिल जाएगा। एंड आई होप गाइस आपको ये कलेक्शन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आने वाले फेस्टिव के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रखे हैं, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।